बिजनेस में ग्रो होना है तो मोस्टली हम ये सोचते हैं कि एक नई मशीनरी लगा लेते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ टू टेक द बेस्ट डिसीजन व्हाइल बाइंग एनी फिक्स्ड एसेट इन योर बिजनेस? Hi, I'm C.A. Arjgaur, a profit and simplification coach, and I help entrepreneurs simplify their life by systemizing their business. हम बहुत बार हमारे बिजनेस में मशीनरी खरीदते टाइम हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी की मशीन ले लेते हैं, ये सोच के कि जब बिजनेस बढ़ेगा तो इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी। हम मोस्टली कभी रिटर्न एनालिसिस नहीं करते ये देखने के लिए कि ये डिसीजन हमारे लिए ठीक है कि गलत। Do you want to know those three questions which we can ask each time before buying any fixed asset? Life कितनी easy हो जाएगी जब हमारे पास तीन set parameters होंगे to decide that whether we should buy this fixed asset or not. Dr. Eli Goldratt, the Israeli guru, gave these three questions which we should ask before taking any buying decision in terms of fixed assets. Number one is, does this buying decision increase my throughput? In simple language, throughput means जितना पैसा हमें सेल से आ रहा है माइनस जितना पैसा हमें परचेजेस में पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सेल से 100 रुपीज आ रहे हैं और परचेजेस के लिए हम वेंडर को 80 रुपीज दे रहे हैं। सो इफ बाय इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मशीन जिसके लिए हम डिसीजन लेना चाहते हैं हमारे सेल से 110 रुपए आने लग गए या परचेजेस में 70 रुपीज लगने लग गए, सो इट इंक्रीजेज माई थ्रूपुट। दैट मीन्स दिस इज एन अफर्मेटिव आंसर टू द क्वेश्चन दैट यस, इट इंक्रीजेज माई थ्रूपुट। Then the second question is whether it decreases my expenses. मेरे इस buying decision से मेरे direct या indirect expenses other than purchases कम हो रहे हैं? If the answer is yes, then we should definitely go for this buying decision. And the third question is whether this decision helps me reduce my inventory. Mostly businesses में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा inventory stocks में फंसा होता है। और अगर हमारे इस investment decision से हमारे stocks कम हो रहे हैं और हम उनको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, then we should definitely go for this decision. So it is so simple. अगर कोई भी buying decision लेना है, कोई भी मशीनरी खरीदनी है, कोई भी नई फैक्ट्री लगानी है, तो we should just ask these questions. क्या इस डिसीजन से मेरा थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है? क्या इस डिसीजन से मेरी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं या इन्वेंट्री कम हो रही है? हमारे कैश प्रॉफिट मास्टरी पार्टिसिपेंट बहुत देर से ऑटो ब्लैक मशीनरी बाय करने के बारे में सोच रहे थे। So, जब हमने उनके साथ ये तीन क्वेश्चंस रन किए, he noticed that उनका थ्रूपुट डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है इस डिसीजन के कारण, and he immediately took action and bought that machinery. So, this is so simple and effective approach. So, please start asking these three questions before any buying decision, and your profits will increase automatically with every investment decision. Please subscribe for more such updates. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.